हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ कर्म एंड को एजुकेशन चैनल में। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं इंग्लिश से रिलेटेड एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बेसिक टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है नाउन। नाउन तो आप सब कुछ जानते ही हो, नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन, व्हाट आर देयर टाइप्स, ठीक है, टाइप्स का भी आपने पढ़ा होगा। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन हम पिछले भी सेशन में हमने देखा है कि मैं पार्ट वन पार्ट टू ला चुकी हूँ उसके रूल्स रेगुलेशन के। तो आज उसी सेशन को कंटिन्यू हम करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशन देखेंगे रिलेटेड टू नाउन टॉपिक, ठीक है। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा रूल नंबर हम 11 तक देख चुके थे, ये रूल नंबर 12 है। रूल नंबर 12 क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाइल यूजिंग कंपाउंड नाउन्स विद एपोस्ट्रॉफी एस, द एपोस्ट्रॉफी शुड बी पुट ओनली विद द लास्ट वर्ड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किसी भी पार्ट्स, मतलब किसी भी स्पीच में बोल सकते हो, किसी भी सेंटेंस में अगर हम कभी कंपाउंड नाउन को यूज करते हैं, कंपाउंड नाउन को एपोस्ट्रॉफी एस के साथ यूज करते हैं, तो जो एपोस्ट्रॉफी होता है वो हमेशा लास्ट वर्ड्स के साथ लगेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको मीनिंग समझा दूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हर सिस्टर्स इन लॉज हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दिस वन इज, ये आपका क्या है, कंपाउंड नाउन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दी, करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, हर सिस्टर इन लॉज हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आप देखो क्या लिखा था कि सिस्टर्स, सिस्टर के बाद भी एपोस्ट्रॉफी एस लगा था और लॉज के बाद भी एपोस्ट्रॉफी एस लगा था, तो ये गलत है। हमेशा जो कंपाउंड नाउन के बाद जो लास्ट वाला वर्ड आता है ना, ठीक है, कंपाउंड नाउन के साथ जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसके साथ ही हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं, ना कि उसके पहले भी यूज करते हैं, ठीक है। ये गलत हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस। करेक्ट आंसर होगा हर सिस्टर इन लॉज हाउस, ठीक है, हर सिस्टर इन लॉज हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, दिस इज माई फादर्स इन लॉज कार, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कंपाउंड नाउन में जब भी कंपाउंड नाउन कोई एक वर्ड दिया होगा, ठीक है, तो हमेशा लास्ट वाले टर्म में हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, ना कि पहले लगाएंगे। देखो आप देख सकते हो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, दिस इज माई फादर इन लॉज कार, ना कि दिस इज माई फादर्स इन लॉज कार, ये गलत होगा। सही होगा दिस इज माई फादर इन लॉज कार, ठीक है। चलिए रूल नंबर 13 देखे। रूल नंबर 13 है, इफ एनी नाउन और अ वर्ड एंडिंग विद एस एंड विच इज इन द पॉजिटिव फॉर्म, इन दैट केस वी यूज एपोस्ट्रॉफी विदाउट एस। क्या लिखा है कि अगर कोई नाउन, ठीक है, और या तो वर्ड कोई भी एस के साथ एंड हो रहा है और जो पॉजिटिव, अगर वो तो अगर कोई भी नाउन एंड हो रहा है एस के साथ और वो पॉजिटिव फॉर्म ले रहा है उस कंडीशन में, तो एट दैट केस हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज नहीं करेंगे, वो विदाउट एस यूज होगा, एपोस्ट्रॉफी यूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनका यहाँ पर सेंटेंस क्या है, विकासिस कार, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, विकास कार, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि जो एस है ऑलरेडी एस यहाँ गिवन है, तो हम यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लिखेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी देकर हम यहाँ पर कार लिख देंगे, इसका भी सेम मीनिंग होगा, ठीक है। देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है, सेकंड है बॉयज हॉस्टल, तो यहाँ एस के बाद एपोस्ट्रॉफी के बाद फिर हम एस नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एस गिवन है, तो फिर एपोस्ट्रॉफी के बाद अगर हम हॉस्टल भी लिखेंगे तो वो अंडरस्टूड होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एस लिखने की जरूरत नहीं है, आप एपोस्ट्रॉफी लिखोगे तो वो अंडरस्टूड होगा कि उसके बाद एस ही आएगा। एट कब ये आएगा, ये कब कंडीशन होगा, जब कोई भी नाउन के एंड में हम एस यूज करते हैं तो एपोस्ट्रॉफी के बाद एस यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। चलिए 14th रूल देख ले। 14th रूल क्या है, सम नाउन गिव्स डिफरेंट मीनिंग व्हेन एस और ईएस इज यूज्ड विद देम, ठीक है। कुछ नाउन जो है डिफरेंट मीनिंग देते हैं जब हम एस और ईएस को यूज करते हैं उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल क्या है, क्वार्टर इज अ नाउन हुज मीनिंग इज 1/4, ठीक है। जब क्वार्टर वर्ड यूज करेंगे तो वो एक डिफरेंट नाउन हो जाता है, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है, 1/4, 1/4 मीन्स 1/4, आप जानते हो इसको हम लोग मैथ्स में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम क्वार्टर्स यूज करते हैं तो ये एक ऐसा नाउन है जिसका मीनिंग होता है अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। क्वार्टर्स, अगर क्वार्टर में एस लग गया तो वो डिफरेंट मीनिंग बना देगा, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा उसका। तो क्वार्टर्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, और क्वार्टर का मीनिंग क्या है, 1/4। तो आप ध्यान रखिएगा कुछ नाउन में एस और ईएस यूज करने के बाद उस नाउन की मीनिंग चेंज हो जाता है। चलिए 15th रूल देखते हैं। 15th रूल है हमारा, सम नाउन विच आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग लेंथ एंड मेजरमेंट्स शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन्स
जो कि लेंथ और मेजरमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो उस नाउन में हम हमेशा उसको सिंगुलर फॉर्म में लेंगे एंड डू नॉट यूज ऑफ आफ्टर सच नाउन्स, और उस नाउन के बाद हम ऑफ को ना लें नहीं लेंगे, ठीक है, उस सेम नाउन के बाद हम ऑफ को यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज डजन्स ऑफ पोटैटोज, तो ये गलत होगा सेंटेंस. राइट आंसर होगा ही हैज डजन पोटैटोज, ठीक है, हमें ऑफ की भी जरूरत नहीं है, यह अंडरस्टूड है. पोटैटोज जो डजन्स है वो पोटैटोज के लिए ही यूज हो रहा है, किसी पर्सन के लिए तो यूज नहीं होगा. ऑब्वियसली डजन है तो आप यहाँ पर पोटैटोज लिख दिया है तो आप समझ जाना कि डजन जो है वो पोटैटोज के लिए यूज हो रहा है, तो हमें इसे पॉजिटिव फॉर्म में दिखाने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है. और एस पी लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी आपको रूल्स में बता चुकी हूँ कि मेजरमेंट के कंडीशन में जब भी मेजरमेंट एज अ लेंथ या मेजरमेंट यूज करेंगे तो हम हमेशा एस नहीं लगाते उसके बाद, ठीक है. तो डजन पोटैटोज इट्स अ राइट आंसर, ठीक है. सेकेंड क्या है स्टेटमेंट, गोपाल हैज मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये भी गलत है. आंसर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, गोपाल हैज मिलियन डॉलर्स, ठीक है, क्योंकि मिलियन जो है वो एक एक्सप्रेस कर रहा है, मेजरमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसके बाद में हम ऑफ नहीं लिखेंगे, ठीक है. और जो लास्ट वाला टर्म आएगा, जो लास्ट हम यूज करेंगे नाउन होगा, उसके बाद में हम एस जरूर लगाएंगे, तो ये करेक्ट आंसर होगा. चलिए 16th रूल देखें, जब दो एडजेक्टिव का डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है, विच इज क्वालिफाइंग सम नाउन आर ऑलवेज यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब्स, ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम उस नाउन को प्लूरल वर्ब के साथ यूज करते हैं. इसका मीनिंग क्या हुआ हम देखते हैं. समर एंड विंटर वेकेशन इज कंपल्सरी इन इट्स इन हिज स्कूल, ठीक है. तो यहाँ क्या है, समर का डिफरेंट मीनिंग है और विंटर का डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है. तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि हम इज यूज करेंगे, ये इज यहाँ पर जो लिखा है वो गलत है. राइट आंसर होगा समर एंड विंटर वेकेशन आर कंपलसरी इन इज स्कूल. इसका मीनिंग क्या है कि जब समर और विंटर वेकेशन की बात हो रही है, यहाँ पर दो अलग अलग एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं, आप देख सकते हो सेंटेंस में. तो जब दो ऐसे एडजेक्टिव जिनका मीनिंग अलग अलग हो, ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव को अगर हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके बाद जो हम वर्ब यूज करेंगे वो इन प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है. देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है, सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन इंडिया इज चेंजिंग वेरी फास्ट, ठीक है. तो आप देख सकते हो दो एडजेक्टिव है सोशल एंड कल्चरल, तो आप दो डिफरेंट एडजेक्टिव यहाँ जब यूज हो रहा है तो फिर हम यहाँ इज नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पर आर यूज करना होगा इंस्टेड ऑफ इज, ठीक है, तब जाके ये करेक्ट आंसर होगा. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनता है, सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन इंडिया आर चेंजिंग वेरी फास्ट, नॉट इज चेंजिंग वेरी फास्ट. चलिए तो हमारा लास्ट जो रूल है वो रूल नंबर 17 है कि कुछ नाउन के साथ, कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म्स में हम उसको यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, माउस है तो माउस का सिंगुलर फॉर्म, इट इज इन सिंगुलर फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, माइस होगा, ठीक है. स्टेडियम है तो स्टेडिया होगा, क्राइटेरियन है तो क्राइटेरिया होगा, फेनोमिना है फेनोमिना होगा, ठीक है. और साथ ही साथ क्राइसिस है क्राइसिस होगा, रेडियस है तो रेडाई होगा, सिलेबस सिलेबी, एल्यूमिनस एल्यूमिनी, एंडमनम और एडेंडा, फिर मदर इन लॉ और मदर्स इन लॉ, ठीक है. तो ये कुछ सिंगुलर नाउन थे जिनका प्लूरल कुछ अलग सा होता है, डिफरेंट होता है, तो आप देख सकते हो, आप इसको याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सेशन का. तो इसी के साथ यह हमारा आज का सेशन खत्म होता है. यहाँ पर नाउन के जितने भी पॉसिबल रूल्स बन सकते थे मैंने सबको इंक्लूड किए सेशन में, 3 पार्ट इसके हैं, ठीक है, आज का सेशन मिलाकर. तो आप इसको जरूर देखें, कोई भी एग्जामिनेशन में जाने के पहले इसको आप एक बार सेशन को देख ले, आपको बहुत यूजफुल होगा हर एग्जामिनेशन में. तो चलिए मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू.